दोस्तों यहाँ पर ये मेरे साथ रहे दो स्टूडेंट मेरे खास और ये बहुत ट्रेन बच्चे हैं। ये है कर्नाटक से बेलगाम, हमारे सरफराज बेलगाम कर्नाटक से, और ये है जे के से कुलविंदर सिंह। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों काफ़ी ट्रेंड है, इनको पहले ही काफ़ी सालों का 10 सालों से ऊपर का इनको एक्सपीरियंस है। बस मैं यहाँ पर ये अपने आपको अपडेट होने आए थे, क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं। आप सोचिए कि मेरे को भी अगर कहीं सीखने को मिलेगा तो मैं जाऊँगा, मैं अपने आपको इम्प्रूव करूँगा हर चीज़ हर जगह पर, बड़े से बड़े लेवल पर। एक IITN भी अगर किसी कंपनी में 100 करोड़ का 1 करोड़ का पैकेज देता है तो उसको भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आपको इम्प्रूव कर सके। तो ये कोई बुराई नहीं, ताकि आपके दिए गए कोई सभी काम हमारे पास से नहीं लौटे। तो दोस्तों ये मेरे सीना ठोक के दावा है, देवतरा अग्रवाल अगर आप मेरे को जानते हैं एशिया टेलीकॉम, जो भी शॉपकीपर JNK का देख रहा है या जो भी शॉपकीपर बेलगाम सरफराज हमारे कर्नाटक का देख रहा है, सो अगर आप इनके पास आएंगे तो 100% एंड्रॉइड लेवल पे कोई भी एक लेवल नहीं होगा जो हम बना के नहीं देंगे। भाई बना के देंगे कि नहीं देंगे, 100% आपका अगर EMC और फॉल्ट होगा या कोई भी सेक्शन वाइज अगर कोई फॉल्ट होगा या आपसे जो मोबाइल दूसरी दुकान वालों से नहीं बन रहा है तो आप बेलगाम कर्नाटक इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके जितने भी इनके आसपास के एरिया के हैं और पूरा JNK इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। भाई कैसा लगा आपको पर्सनल? सर बहुत अच्छा लगा सर, आके जो अपडेट होने के लिए आए थे तो पूरी हमारी जो अपडेटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई सर, और सिखाने का तरीका तो कुछ हट गया है सर यहाँ पे। मतलब हम लोग जो इतने साल से काम कर रहे थे सर उस काम में, और तो एक 15 दिन का जो अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कंप्लीट हो गया आज, तो अभी अपने आप को लग रहा है कि हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं इधर। और टेक्नीशियन के लिए बोलना चाहूँगा कि अपने आप को अपडेट अगर करना चाहते हो तो ईशा टेलीकॉम को एक बार जरूर आना, और EMC के लिए तो परफेक्ट अपने सर देवेंद्र सर है, राजेश सर है और मिलन सर है, तो ऐसी टेक्निक और ऐसी फ्रेंडली जो सिखाया जाता है यहाँ पे वो कहीं भी कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये दिल से कह रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ सर, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ सर, मैं 15 दिन से रह रहा हूँ सर इधर, तो आप ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली के साथ मैं रह रहा हूँ उधर, तो बहुत दिल से कह रहा हूँ सर। क्या आपका रिव्यू है? रिव्यू मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो मतलब कि बड़ा ही खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भैया JNK में एक नया इंस्टीट्यूट खुलने वाला है हमारे, अगर जो भी आसपास के आपके स्टूडेंट जो आपके एरिया के लोग हैं, भाई एरिया की तो बात नहीं कर सकता पर JNK के जो भी अलग अलग शहरों के बच्चे हैं वो चाहे तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, सर की ब्लेसिंग से। हाँ और सर की कर्नाटक में बेलगाम और यहाँ पर JNK, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भैया एक इंस्टीट्यूट खुलेगा यहाँ पर, वो भी EMC टॉप लेवल वाला, ठीक है ना, और हमारा आशीर्वाद इनके साथ हमेशा रहेगा सर। हाँ थ्रू आउट ये बंदा शुरू से, एंड ये मैं इनको हमेशा सबसे पहले क्लास में सबसे पहले इन्हीं को लेता हूँ, जो भी सेक्शन करता हूँ तो उसके बाद में सारे स्टूडेंट को यही सेक्शन दोबारा रिपीट करवाते हैं, और एक एक चीज जो मैं इनको सिर्फ एक बार समझाता हूँ, सिर्फ एक बार, और ये सारे बच्चों को पूरा तरीके से समझाते हैं, तो ये बहुत काबिल तारीफ की बात है। सर ये आपकी तरीका जो है ना समझाने का वो हमारे अंदर घुस जाता है, मेरे हिसाब से जितने स्टूडेंट है ना ये सब पूरा पैक हो गए हैं, ये कहीं नहीं मतलब ये क्या पता ये सारे ही स्टूडेंट जाके अपने अपने देश में अपने, और इवन बहुत से लोगों ने इंस्टीट्यूट खोला भी है। और यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि अगर आगे पीछे ऐसे घूम रहे हो या अगर आप YouTube पे चेक कर रहे हो, हर बंदा आने से पहले एक एक अकेले मतलब इंस्टीट्यूट को नहीं देखता, वो अलग अलग, मैं भी देखता था, मैंने भी अलग अलग वीडियो देखे हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आप आके ट्राई कर सकते हैं, 2 दिन का डेमो क्लास मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपसे फीस चार्ज होगी, उससे पहले चार्ज नहीं है कोई भी, आप आइए और 2 दिन आइए अपना डेमो लीजिए, जो भी आने का मूड बना रखा है आइए, आप मैं कहता हूँ आंखें बंद करके आइए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, उससे ऊपर मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा, एंड लेवल हो जाएगा EMC के, आ जाइए एंड लेवल, एंड्रॉइड खत्म है, आपका एक महीने से ज्यादा नहीं लेंगे, आप एक महीना 3 महीना 2 महीना उसमें छुट्टी भी देंगे आपको, छुट्टी भी देंगे आपको। अच्छा सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अभी तक इंडिया लेवल पे इतने रिव्यू नहीं है, इतने आउटपुट नहीं है जितने हम देते हैं यहाँ पर रेगुलर, तो कंपेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी स्टूडेंट को किसी इंस्टीट्यूट को उसके इंस्टीट्यूट जाके नहीं हमें जाना होता है, हमें उनके स्टूडेंट से मिलना होता है। बहुत से लोग स्टूडेंट का नंबर लेते हैं, भाई मैं एक बच्चे के मैं एक बच्चे को खरीद सकता हूँ, एक दूसरे को खरीद सकता हूँ, बट मैं सबको नहीं खरीद सकता, अगर हम इतने मतलब कि अगर तंग हो जाए या कुछ हो जाए तो हम तो यहाँ पे रिव्यू थोड़ी ना देंगे, नहीं देंगे हम यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ पे आपका चल सारे स्टूडेंट का डेली का खुद की दिन का 5 से 10 हज़ार रुपए कमाई है,
ये अब तक तो क्यों यहाँ पे अपना दिन वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपने कस्टमर टूट रहे हैं या कुछ, लेकिन अपने आप को ऐसा अपडेट करके जा रहे हैं कि वो कस्टमर अब आएंगे कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका काम कहीं नहीं होगा तो वो मेरे पास आएंगे, मैं करके दूंगा, ये मेरे में है। और हमें ज्यादा है अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, जिस तरह से आपके फोन में भी जब मास मेलो के बाद में टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है, नोकिया वाला जमाना खत्म हो चुका है। और ये जो जितने भी टेक्नीशियन है ना भाई, आप लोग जो भी देख रहे हो आप सब नोकिया वाले हो, नोकिया के लाइट सेक्शन वाले हो, क्यों भाई वो फोन खराब होंगे कस्टमर के होंगे, हम कस्टमर की सर्विस बेटर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और अब आगे आके अपने टाइम मतलब कि अपनी लाइफ में जो कस्टमर को सर्विस मिलेगी वो हमारी एंड लेवल की सर्विस होगी, उससे ऊपर लेवल नहीं होगा। और यहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर अपना दिमाग लगा के आना, हम नहीं बोलेंगे आपको कॉल करो, बिल्कुल कॉल मत करो भाई, बिल्कुल आपको कॉल ही नहीं उठाया जाएगा आपका, पहली बात उनके पास टाइम नहीं है, आप कॉल करेंगे कॉल नहीं उठाया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ये आपको वापस अगर जैसे फ्री होंगे कॉल करेंगे, ये 2-3 बजे तक एक्टिव रहते हैं सर। अगर मैं यहाँ पर अगर बहुत से लोगों के बारे में पूछूं ना कि उनको 2-3 महीने बाद जाके सीट मिलती है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना बताए आ जाते हैं, यहाँ पे सीट एक कंफर्म रखी जाती है, अगर 30 बच्चे का बैच है तो 30 ही, क्योंकि 31 बजे के लिए सीट की स्पेस भी होगी, अगर उसको नहीं दे पाएंगे ना ये तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं कोई एक स्टूडेंट छूट सकता है, इसलिए ये बैच पूरा कंप्लीट रहता है, 30 है तो 30 का, अगर 12 है तो 12 का, तो आपने आना है तो आप प्लीज पहले कॉल कीजिए, कॉल नहीं उठाया जाएगा तो आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैसेज से अपना कॉन्टेक्ट कीजिए, फिर आइए, ऐसे नहीं आना, चलिए ठीक है, मिलेगा सब कुछ, चलिए ठीक है, एंड लेवल, थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए। और एक खास एक रिव्यू था हमारे एक बहुत खास अपडेट बड़े टेक्नीशियनों के साथ में, हालांकि मैं ऐसे कुछ वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, पर ये वीडियो एक सिंगल वीडियो जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरटेल को, आपका चैनल दोस्तों, मेरे साथ में यहाँ पे इंटरटेल को 28 मार्च का बैच, और मेरे साथ में यहाँ पर EMMC बैच हमारा 5 अप्रैल का बैच, तो यहाँ पर अब आए आज धूम मचाने के लिए, और हर महीने की तरह एक जात इकट्ठे होने के लिए ताकि यादगार बना सके इस पल को। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, थोड़ी थोड़ी सी एक झलक आपसे बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट आए आज खड़े हुई, क्या नाम है आपका? राज। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने दिन हो गए आपको यहाँ पोस्ट करते हुए? 15-16 28 मार्च को आप आ जाए, क्या आपका डिसीजन सही है यहाँ पोस्ट करने पर? सही है, यहाँ पर आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत अच्छा मिला, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? इससे ज़्यादा मिला, सेटिस्फाई है अब यहाँ? बहुत सेटिस्फाई है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरे सारे एक स्टूडेंट है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल पंडित। अनिल, मुझे ये बताओ कि जो तुम यहाँ पे सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? उससे भी ज़्यादा मिला, जहाँ जितना सोचा उससे ज़्यादा। अभी हमारा हार्डवेयर खत्म हो गया है, कॉन्फिडेंस है हार्डवेयर का, सर्टिफिकेट ड्रॉ कर लोगे यहाँ पर, है ना? आईसी से रिंगर बजा देंगे, आईसी से रिंगर बजा देंगे भाई, आईसी से रिंगर बजा देंगे कि नहीं बजा देंगे? ठीक है सर, ये हमारे साथ में स्टूडेंट है, तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट सब बातचीत करेंगे यहाँ पर। राजा सर आइए। मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर यूपी जी, गर्व है जी, फक्र है, फक्र है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गणेश है। कैसा लग रहा है आपको? आपको 15-16 दिन हो गए हैं हार्डवेयर का यहाँ पर, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं थोड़ा बताओगे आप? पढ़ाने का टेक्निक बहुत बढ़िया है, अच्छा जैसे कि बहुत ही अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छा है, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, सेटिस्फाई है आपके साथ, बाकी लोग भी सेटिस्फाई है? चलिए ठीक है, आज एंजॉय करने आए हैं, आज कुछ ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में माजी भाई, ये कहाँ से आए आप? सर गुजरात से आए। गुजरात से, क्या कहना चाहोगे कि आपका एशिया टेलीकॉम को चुनने का जो विचार था वो सही है कि गलत है, ये बताइए। एकदम बिल्कुल सही है, क्यों हम जो स्टूडेंट पढ़ना है उनसे ज़्यादा हमारे जो यहाँ के राजेश सर हो, जो हमारे अग्रवाल सर हो, हमारे उस पर बहुत ध्यान रखते हैं, और पूरे दिन के अंदर समझो कि 11 से 12 घंटे की पढ़ाई कराते हैं। आपको बिल्कुल नए फील्ड में थे, एकदम जीरो से हीरो, जीरो वाले हीरो थे यार, आपको अगर याद नहीं है तो पुराना ये वीडियो देख लेना है इनका। जी जी जी। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी भी इनसे, तो अभी हार्डवेयर में आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं शॉप में बैठ जाऊंगा? कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है, ट्रेसिंग के साथ में, सर की सप्लाई के साथ में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? तौसीफ। तौसीफ कहाँ से हो? बिहार। बिहार से, क्या लगता है आपको कि एशिया टेलीकॉम
क्यों चुनना चाहिए है और आपने क्यों चुना है, दो रीज़न। कि इंडिया का नंबर वन है और मैंने इसलिए सुना कि यहाँ आकर मुझे लगता मैंने जो आपका वीडियोस देखा था मुझे लगा यहाँ आकर जो मैं नहीं सीख पाया वो सीख लूँ। तो आपको क्या लगा, अब क्या फील हुआ आपको जो पहले दिन आए थे उसके बाद और अब के टॉपिक में क्या अंतर है? बहुत बना लेंगे, कॉन्फिडेंस आता है कि आपको पंद्रह दिन में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही राजेश बात करते जाइए आगे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? प्रोग्रामर मिलन सर, मिलन सर कैसा लग रहा है आपको? मॉल में अभी धूम मचाना है आपको, है ना? तो यहाँ पर ये इनका बैच है, तो इंट्रोड्यूस कराइए थोड़ा मिलन सर और बताइए कि कैसा लगा, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा? सूरत गुजर से अपना नाम नसीम अख्तर। और यहाँ कैसे लगा, कैसे प्रोग्राम यूज किया? बहुत अच्छा लगा सर, जो मिलन सर का जो तरीका है सिखाने का, जो इस इंस्टीट्यूट का जो तरीका है सिखाने का, मैं कहता हूँ कि जबलपुर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बताइए कि आपने ईएमसी बैच के लिए एशिया टेलीकॉम ग्रुप क्यों चुना? बहुत अरेंज सर, हमने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम वीडियो देखे और एशिया टेलीकॉम में चले, हम कई जगह गुजरात में और भी जगह ग्यारह है, कई जगह हम लोग गए वहाँ पे, एक दिन एक घंटा दो घंटा वहाँ का हम लोगों ने देखा, सिस्टम देखा, सिस्टम को समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, जब यहाँ पर हमको लगा कि ये पहले के वीडियो कुछ देखा था हमने, लगा यहाँ पर जाने जैसा है, और यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि एक दिन आपका उसी दिन फीस नहीं लिया जाएगा, उसी दिन फीस नहीं लिया जाता है, अगले दिन आपसे फीस लिया जाएगा। हमने दिया, देने का कोशिश भी करा लेकिन सर ने लिया ही नहीं, नहीं पहले आप ट्रायल देखिए, उसके बाद आपको लगे करने जैसा है तो करिए। और ये हमारे सर मिलन सर का जो पढ़ाने का सर बहुत ग्रेट है सर, जितना इनके तारीफ में बोले काम है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि इनके जैसे सर मिले। हाँ, क्या नाम है आपका? चेतन। कहाँ से हो आप? चेतन, आप यहाँ इतनी दूर आए एशिया टेलीकॉम में, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? आपने यहाँ कई दिन क्लास की, हार्डवेयर की क्लास भी खत्म हो चुकी है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अभी तो मैं फिलहाल ऐसे बोलूँगा, मैंने जो हार्डवेयर से पहले कर रहा था वो कुछ भी नहीं था उसके आगे, नहीं क्या अभी जो मैंने कहा किया ना वो आईसी लेवल पे काम किया है, सब कैलकुलेटर रजिस्टर सब कर। आईसी आप रीड कर सकते हो, निकालना लगाना रिबॉलिंग करना सब कर सकते हैं, वगैरह सब कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आईसी रिबॉलिंग भी सिखा देते हैं अगर, तो उनको आईसी रीड करना ही नहीं आता, आईसी आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, तो वो चीज़ आपने सीखा? सीखा सर। चलिए ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है और मैं उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से, तो कृष्णा जी अभी आप यहाँ पे आए, आपने कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप जो सीखने आए थे वो चीज़ आपको मिली या नहीं? वो चीज़ मिली और उससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, एक सर का जो मोटिवेशन है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सर एक मसीहा है, और मैं तो कहूँगा सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम सर बहुत ही ऊपर के लेवल में जाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दिया। मैं तो बोलता हूँ कि मैं इतने लायक हूँ जिन्होंने इतना कह दिया। और मुझे ऐसा लगा सर, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ बहुत नोटिस किया कि 20,000 रुपये लेकर कहीं कोर्स करने चले जाओ तो घर आओ तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, यहाँ से बेकार चले जाते, कैरियर ख़राब हो जाता, हमारा जो रास्ता वो चेंज हो जाता। पर मैं यहाँ पे आके ये चीज़ देखा, जो हमारे पैसे जो खर्च हुए, खर्च होने के बाद हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मिला और सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म मिला और उस पर हम चलेंगे, और ये पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, पहले भी काम करते थे और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज। कहाँ से हो आप? सूरज, आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए, हार्डवेयर भी आपका कंप्लीट हो चुका, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे अगर आपके एरिया से कोई आ रहा है सीखने, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पे अगर आने का कोई भी डिसीजन ले रहा तो वो बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि तो कहीं और जाने से अच्छा है आपको जैसे आप वहाँ से आए थे तो आप YouTube का वीडियो देख के आए थे, तो वहाँ पे जो रिव्यू देखने को मिला आज वही रिव्यू आप दे रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख के आए हो, तो वही चीज़ अब किसी थर्ड पर्सन को अगर आना है तो आप क्या कहना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हो आप, जो सीखने आए थे वो सीखे या नहीं? बिल्कुल, और अगर सीखना ही है तो एशिया टेलीकॉम से बेहतर और कोई नहीं है।
चलिए थैंक यू। क्या नाम है आपका? रमेश। हाँ रमेश सिंह। रमेश सिंह कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। तो रमेश अभी आपने कोर्स कंप्लीट किया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, जो आप सीखने आए थे वो आप कर पाए या नहीं? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी 15 दिन की हमारी क्लास हो गई, जो हार्डवेयर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हार्डवेयर में हमारा कोई चीज़ ऐसा नहीं बचा है जो हमें नहीं आता हुआ। तो चलिए ठीक है, मतलब आप जो रिव्यू देख के आए वो पूरा हुआ कि नहीं? चलिए ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मक्खनलाल। कहाँ से हो आप? मैं जैसलमेर, राजस्थान से। राजस्थान से। तो मक्खनलाल जी अभी आप कोर्स कंप्लीट किए? जी सर। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन आपने सबको छोड़ के सिर्फ यहाँ पे आए, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और हम अभी 15 दिन का हमारा कोर्स हुआ है, तो हमने हार्डवेयर सब कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मतलब आप जो सोच के आए थे या जो देख के आए थे वो चीज़ वाकई मिल रहा है या फिर सिर्फ फेक वीडियो था? जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती बोल रहे हैं? नहीं सर, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, 2 दिन डेमो क्लास होती है, उसके बाद सर फीस ली जाती है। चलिए ठीक है, तो अभी अगर कोई राजस्थान से आता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आओ तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाओगे। चलिए ठीक, थैंक यू। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? यूपी से। तो सुमित जी बताइए कि आप यहाँ पे सीखे तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो चलिए ठीक है, मतलब जो आप उम्मीद लगा के आए थे वो पूरा हुआ है? ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। कुलविंदर कहाँ से हो आप? मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। पंजाब से। कुलविंदर आप इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली भी आपका पास में था, वहाँ भी कई सारे इंस्टीट्यूट थे, तो वहाँ पे ना सीख के आप यहाँ पे आए, तो मतलब? सर जी मैं यहाँ वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, बाकी तो उनका मैं सब बोल रहा था। अच्छा, मतलब आपने वीडियो देखा, रिव्यू देखा, उसके बाद आप यहाँ पे आए, तो रिव्यू जो आपने देखा वही रिव्यू आज आप दे रहे हैं? उससे कहीं ज़्यादा मत देखा। चलिए ठीक है, थैंक यू कुलविंदर। क्या नाम है आपका? अमर है। अमर कहाँ से? महाराष्ट्र। हाँ अमर जी, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में, क्योंकि आपकी हार्डवेयर की क्लास भी खत्म हो चुकी है? अच्छा, तो चूँकि महाराष्ट्र में भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके, कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट। अच्छा, आप पढ़ भी चुके हैं? तो चलिए ठीक है, पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इंस्टीट्यूट का नाम इसमें नहीं ले सकते। तो वहाँ पे आपने पढ़ा और यहाँ भी आपने पढ़ा, तो अभी आपको कितना अंतर समझ आता है? अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव है, महाराष्ट्र से। अच्छा सर, यहाँ वैभव जी एक बात बताइए कि जैसे आप इतनी दूर से आए थे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट पास में थे, तो आप वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन फिर यहाँ किसको सेलेक्ट करने का रीजन क्या था? सर तो आज तक मैंने मोबाइल खोल के देखा भी नहीं, अंदर क्या रहता है क्या नहीं, मेरे का फैशन कोई जानकारी नहीं मिली मोबाइल से, लेकिन फिर भी मैं हर एक जो मतलब इंस्टीट्यूट है उनके मैंने वीडियो देखी। बाद में आपका ये जो आशा टेलीकॉम का ये इंस्टीट्यूट, आपका नहीं बोलूँगा मैं, मेरा बोला भारी कॉम्पिटिशन है, मेरा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि जो सिखाने की टेक्निक है बहुत बढ़िया है सर, और मैं प्रेशर हूँ। आपके आपको यहाँ की टेक्निक बढ़िया लगी? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका?
सर रामाडा सर हूँ छत्तीसगढ़ से आप। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पढ़ के? सर ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग जो सोच के आए थे जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, अभी हार्डवेयर का कोर्स कम्प्लीट हो गया, तो मैंने जो सोचा था सर उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। पहले भी आप ज़्यादा दिन नहीं होता, दो महीने से ऐसे ही काम किया था, एक्सपीरियंस नहीं होता। चलिए मतलब आप जो सोच के आए वो आपको मिला, उसे कहीं ज़्यादा मिला सर। ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाँ सूरज कुमार। कहाँ से आप? यूपी से। तो सूरज जी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पर, और एक चीज़ को कई बार बताया जाता है। मतलब आपने जो हार्डवेयर कोर्स किया तो आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? हाँ सर बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, मैं सोच कर आया था उससे काफ़ी ज़्यादा मिला है। चलिए ठीक है थैंक यू सूरज जी। क्या नाम है आपका? यूपी सेवा। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? मतलब आपने चूंकि हार्डवेयर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं आपने, और अभी आप काम करना चाहते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको क्या लगता है? दो साल से आगे ट्राई कर रहा था, में इधर आया सर। अच्छा अच्छा तरीका बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है थैंक यू। तो आपको सीखने को मिला सर? बहुत सीखने को मिला सर। चलिए ठीक है थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील। सुनील कहाँ से आप? नेपाल। नेपाल से। तो सुनील जी आप अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ तक आए, इतनी दूर सफ़र किया आपने सिर्फ सीखने के लिए। कई सारे इंस्टीट्यूट थे, दिल्ली में भी थे और आपका तो पटना सबसे पास पड़ता है, तो अभी क्या रीज़न है कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए? मुझे अच्छा लगा इधर। अच्छा यहाँ का जो रिव्यू देखा आपने वो आपको अच्छा लगा, तो जो रिव्यू आपने देखा तो वो चीज़ आपको मिल भी रहा है या फिर सिर्फ वो रिव्यू था? सर काफ़ी, जैसे वही रिव्यू आज आप भी दे रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे किसी अगर कोई नेपाल से आना चाहता है तो? हाँ सर बढ़िया है, कुछ सीखो। नेपाली में आप कुछ कहना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में? आप बोल सकते हैं नेपाली बोल सकते हैं। यहाँ सरले एकदमै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ, सो आऊ सबै आऊ सिक्नुहोस्। चलिए ठीक है थैंक यू। पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच। कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दिल से कह रहे हो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, जैसे टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है। हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना था। ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा
मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफ़ी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? Announcing 1001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.